अहले अयाल में आती है भाई। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, देखो ये भी ख्याल रखो कि बस औकात अल्लाह किसी बंदे के साथ अच्छाई चाहते हैं तो उसकी जिंदगी में तकलीफ आ जाती है। अगर कोई आदमी अपनी नबी की इस बात को सोचे ना तो उसे तकलीफ के अंदर भी सुकून आ जाएगा। मुसीबत मुसीबत नहीं रहेगी, उसमें भी राहत मिल जाएगी। बच्चा मेला को चला होता है, अम्मी उसको निला रही होती है और रो भी रहा होता है। बज़ाहिर लग रहा होता है कि बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन सब समझ रहे हैं इस तकलीफ में इस बच्चे की राहत है। ऐसा ही होता है। बसों का डॉक्टर कलेजा निकाल लेता है, दिल निकाल लेता है, कितनी बड़ी तकलीफ है। लेकिन अगर उसके जहन में यह आ जाए कि इसके बाद मुझे सेहत मिल जाएगी तो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करेगा। उसने दिल निकाल के बाहर रख दिया और उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। और कोई अजनबी आदमी सुई चुबो दे लड़ने लग जाएगा, क्यों? उसने बगैर मकसद के सुई चुबोई है, उसे ये जानता नहीं है, लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। उसने पेट काट दिया, उसको फीस भी दे रहा है, शुक्रिया भी अदा कर रहा है। और कोई अजनबी आदमी सुई चुबो दे नाराज हो जाएगा। हाँ मेरे अजीजो, जिंदगी में तकलीफ आएगी, लेकिन अगर अल्लाह की रहमत पे नजर होगी कि वो माओं से ज्यादा प्यार करता है तो फिर शिकवे नहीं होंगे, अल्लाह का शुक्र अदा हो। फिर मौला से शिकायत नहीं होगी, मौला के और करीब हो जाएगा जैसे डॉक्टर के करीब होता है। जिंदगी भर बस औकात उसका एहसान मंद रहता है, जिंदगी भर बस औकात उसका शुक्र गुजार रहता है। अगर अल्लाह ताला को पहचानता होगा, उसकी रहमत, उसका प्यार, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत ये पहचानता होगा ना, और फिर तकलीफ आएगी तो अल्लाह के शिकवे नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, अल्लाह के और करीब हो जाएगा। और भाई यही अलामत है कि इसकी जिंदगी में आने वाली मुसीबत तकलीफ भी इसके हक में रहमत है। यही अलामत है, यही निशानी है कि इसकी जिंदगी में आने वाली तकलीफ भी इसके हक में रहमत है, अल्लाह की मोहब्बत का एक अंदाज है। जैसे माँ अपने बच्चे के मेले को चेले कपड़े उतारती है, साबुन लगाती है, निलाती है, रो रहा होता है, लेकिन सब जानते हैं माँ मोहब्बत कर रही है, माँ इसे चमकाना चाहती है और खूबसूरत लिबास पहनाना चाहती है। तो अगर अल्लाह की रहमत पे नजर होगी, उसकी शफकत पे नजर होगी, उसकी मोहब्बत पे नजर होगी, उसकी पहचान होगी, तो तकलीफ भी राहत का बायस बन सकती है। और तकलीफ तो आनी ही भाई सबकी जिंदगी, कोई ये नहीं कह सकता कि झोंपड़ी वालों की जिंदगी में आती है, कोठी वाले की जिंदगी में नहीं आती। कोई ये नहीं कह सकता कि खुशहाल घरानों में नहीं आती, गरीब घरानों में आती है, ये नहीं होता, सबके घरों में आती है। लेकिन वो तकलीफ राहत बन जाए और वो तकलीफ कमाई बन जाए, उस तकलीफ में बंदा अपने मौला के और करीब आ जाए, तो वो अल्लाह के नबी ने बताया, वो प्यारे नबी ने बताया है। तकलीफ तो इस दुनिया में आनी है, दुनिया में रह रहा है, जन्नत में नहीं रह रहा है। दुनिया में दोनों चीजें आती हैं, नेमत भी होती है, तकलीफ भी होती है, आता भी है कोई जाता भी है, सेहत भी होती है, बीमारी भी होती है, हालात बदलते रहते हैं, हमेशा यकसा नहीं रहते। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अजब अल्ली अम्र المؤمن اذا اصابه سرا شكر فكان خيرا له وان اصابه ضرا صبر فكان خيرا له। ये मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, इसकी तो हर हाल में कमाई है,
और इसका तो हर हाल में नफा है। अगर अल्लाह इसे कोई देता है और ये मौला का शुक्र गुजार बंदा बनता है, एहसान शनास बंदा बनता है और उसके गुण गाता है उसकी तारीफ और हम्द के, और अल्लाह कुछ लेता है और कहता है अल्लाह ने लिए, तो यकीनन इसमें मेरे लिए कोई खैर होगी, सबर कर लेता। फरमाया इस मुसलमान का तो दोनों हालों में नफा है, हर हाल में नफे में, तकलीफ में भी, राहत में भी, बीमारी में भी, सेहत में भी। और सच बताऊं जीने में भी इसका मजा है, मरने भी मजा है। इसका ना जीने में घाटा ना मरने में घाटा। अल्लाह हम सबको ऐसी जिंदगी नसीब फरमा दे भाई। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक निकाह भी पढ़ लेते हैं फिर दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। भाई दीन मोहम्मद महरीन तनवीर, तनवीर साहब कौन है माशाल्लाह, वकील कौन है बच्ची का, आपने बच्ची से पूछ लिए मुझे इजाजत है, गवाह कौन है, आप दोनों हजरात मौजूद थे।